हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपके भी टाइप सी जो 3 mm एडाप्टर है वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे टाइप सी जो 3 mm वायर है उसको कैसे फिक्स किया जाए और उसको कनेक्ट किया जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज को देखने के लिए। तो दरअसल हो क्या रहा है, जब भी मैं अपनी जो इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे बार बार। तो सबसे पहले कुछ टिप्स हैं को ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपको क्लीन कर लेना अपनी केबल को, और क्लीन करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है उसको जो साफ करना है अच्छे से। और कभी कभी क्लीन करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि कभी कभी उसमें कुछ फंसा होता है मटीरियल जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने डिवाइस की सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे एक ऑप्शन देखेगा डेवलपर ऑप्शन में लिखा आएगा डिसेबल यूएसबी ऑडियो रूटिंग, तो उसको आपको टर्न ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से बैक आना है और आपको जो ऑडियो है उसको अभी जब आप प्लग करोगे अपने अपने अडेप्टर से, उसके बाद आपको क्या करना है वहाँ पे सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे बोर्ड मेन्यू में एक ऑप्शन देखेगा बिल्ड नंबर का, उस पर क्लिक करना है और फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो एक बार थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है डेवलपर ऑप्शन पे जाने के बाद बिल्ड नंबर पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सिस्टम और एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा जो डेवलपर ऑप्शन है उसको एक्सटेंड कर देना है और उसमें ब्रैकेट लगा देनी है। तो ये सब करने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं तो अपने डिवाइस का फैक्ट्री रिसेट कीजिएगा क्योंकि उससे भी बहुत समय बहुत बार आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो ये कुछ मेथड जिनसे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।